Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now my programming is that to accept two numbers from the user and perform all the calculations. Yes, all the calculations. So let's start with आपने यहाँ पर HTML लिया, body लिया. सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना लेबल ले लिया और इस लेबल के अंदर आपने एंटर फर्स्ट मैंने लेबल लिया इनपुट टाइप इस जगह के ऊपर आपने यहाँ पर टेक्स्ट लेना है. यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिया साइज 5 नंबर्स का ले लिया और आईडी मैंने Z1 कर दिया राइट. अदरवाइज आप कहें कि आपने रट्टा मारा हुआ और आप हमेशा N1 या N2 ही लेके चलते हैं, डजेंट मैटर, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, आप ABC लेके चल लिए कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे A चाहिए चलेगा. आपने यहाँ पर लेबल लिया एंटर अदर नंबर एंड ऑफ आपने लेबल लिया इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट लिया साइज यहाँ पर 5 लिया आईडी B लिया. मुझे यहाँ पर बटन चाहिए. इस जगह के ऊपर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैंने बटन दिया जो बटन के ऊपर क्या था आपने यहाँ पर ऐड लिख दिया ऑन क्लिक. मुझे यहाँ पर एडिशन चाहिए लेकिन यहाँ पर फंक्शन का साइन कौन देगा. अगेन इनपुट टाइप मैंने बटन दिया यहाँ पर जो वैल्यू थी उसकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ऑन क्लिक. सब्ट्रैक्शन दे दिया इस जगह के ऊपर इनपुट टाइप इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑन क्लिक मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ पर ये दे दिया. एक और बना लेते हैं इनपुट टाइप मैंने बटन लिया वैल्यू इज इक्वल टू डिवीजन ले लिया और ऑन क्लिक डिवीजन नाम की चीज को डिफाइन कर दिया. अब इस जगह के ऊपर आपने अपनी बॉडी बंद कर दी. हमने अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू करी. सबसे पहले मैंने फंक्शन लिया ऐड का. देखिए मैं आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा. ए इज इक्वल टू आपने क्या करना था इंटीजर में कन्वर्ट करना है पार्स इंट किसको डॉक्यूमेंट डॉट
get element by id, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया था, a लिया था, dot value, इसी को हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पर आपने b लिया और इस जगह पर b ले लिया, अलर्ट आपने a प्लस b किया, बंद किया। देखिए यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट को बंद किया, पहले मैं एक ही बटन चलाऊंगा, यहाँ पर आपने 6 लिया, 7 लिया, ऐड, ये लीजिए हो गया 13, नंबर ले लिया आपने 67, ये लीजिए, यहाँ पे आप कहते हैं कि मैंने ये ले लिया ऐड। अभी आप सब्ट्रैक्शन पे कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन नहीं, मुझे इस जगह के ऊपर आगे फर्क करना है, तो मैं इस जगह के ऊपर आपका इस वाले फंक्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको कॉपी किया और इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दिया। मेरा दूसरा फंक्शन यहाँ पर SUB था, सिर्फ मुझे यहाँ पर अपना साइन चेंज करना है, पेस्ट। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन और अलर्ट में दस यहाँ पर फिर पेस्ट किया, आपने यहाँ पर अपना डिवीजन लिया और डिवाइड कंट्रोल एस, आपने यहाँ पर 9 लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, चलो ऐड, राइट, सब्ट्रैक्ट, ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला, तो आपने क्या करना है, गड़बड़ आपने कहाँ कर दी। देखिए इस जगह के ऊपर डिवीजन का कुछ और सिस्टम है, डायरेक्ट डिवीजन यहाँ पर नहीं चलेगी। अब वो क्या होगा ये आपको सोचना है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ डिव लिखूँ, कंट्रोल एस करूँ और F5 करूँ, आपने यहाँ पर 7 लिया, 3 लिया, नहीं है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। अगर मैं डिवीजन लिखूँ, डीवी लिखूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूँ और मैं आपको ये दिखाना, ये शो करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज आखिर करती क्या है। तो माय डियर, ये कल का आपका होमवर्क, मुझे बताइए कि इसके अंदर हम काम कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये चीज़ चलेगी कैसे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर साइन लगाया, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, सॉर्ट इट और मुझे बताइए, राइट, और टिल देन कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।